चलो चैप्टर नंबर 4 में हम लोग बायो सावर्ट के नियम और कुलाम के नियम नियम की समानताओं और असमानताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्न क्या है? बायो सावर्ट के नियम तथा कुलाम के नियम की समानताएं तथा असमानताएं लिखो। तो यहाँ पर ध्यान देना, दोनों दीर्घ परासी होते हैं। अब दोनों दीर्घ परासी क्यों होते हैं? क्योंकि दोनों ही स्रोत से परीक्षण बिंदु तक की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होते हैं। याद करो वहां पर भी था ना, बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती बी प्रोपोर्शनल 1/r² था, और वहां बल में भी एफ प्रोपोर्शनल 1/r² था। इसका मतलब दोनों ही क्या होते हैं? दीर्घ परासी होते हैं। मतलब परीक्षण बिंदु तक की स्रोत से परीक्षण बिंदु तक के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होते हैं? विलोमानुपाती होते हैं। तो बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होने के कारण से आप कह सकते हैं दोनों दीर्घ परासी होते हैं। मतलब बहुत बड़े मान तक इनकी कीमत प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, अब यहां पर देखना, दोनों पर अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है। मतलब दोनों के ऊपर हम अध्यारोपण का सिद्धांत अप्लाई कर सकते हैं। अब अध्यारोपण के सिद्धांत अगर विस्थापन के संदर्भ में कहें तो y बराबर y1 प्लस y2, अगर विद्युत क्षेत्र के संदर्भ में कहें तो e बराबर e1 प्लस e2, अगर चुंबकीय क्षेत्र के संदर्भ में कहें b बराबर b1 प्लस b2, अगर दिशाएं बदलेंगे तो b1 माइनस b2 हो जाएगा या e1 माइनस e2 हो जाएंगे। दिशा समान रहेंगे तो e1 प्लस e2 होगा। तो आप लोग जानते हैं दिशाओं के आधार पर प्लस माइनस का चिन्ह भी लगाना होता है। ठीक है, फिर आगे देखना इसमें क्या तीसरा है, स्थिर विद्युत क्षेत्र अधिक स्रोत जैसे विद्युत आवेश द्वारा उत्पन्न होता है। जो विद्युत क्षेत्र है वो किसके द्वारा? विद्युत आवेश के द्वारा उत्पन्न होता है। विद्युत आवेश कैसा स्रोत है? अधिक स्रोत है। जबकि चुंबकीय क्षेत्र सदिश स्रोत के द्वारा उत्पन्न होता है। अब सदिश स्रोत क्या है? आइडियल, इसको धारावाही खंड भी कहा जाता है। आइडियल, इसमें डीएल सदिश राशि होता है, तो आइडियल के द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, या सदिश स्रोत के द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, अब आगे देखना, स्थिर विद्युत क्षेत्र स्रोत को क्षेत्र के बिंदु से मिलाने वाले विस्थापन सदिश के अनुदिश होता है। मतलब स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है, स्रोत को क्षेत्र से मिलाने वाला जो विस्थापन सदिश होता है, उसी की दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। जबकि चुंबकीय क्षेत्र विस्थापन सदिश जो आर है और विद्युत धारा अवयव जो आइडियल है, दोनों के समतलों के लंबवत होता है। मतलब जैसे विद्युत क्षेत्र की दिशा ये, जैसे मान लिया जो आर की दिशा ये है और आईडियल की दिशा ये है, ये दोनों एक दूसरे के लंबवत है, लेकिन ये चुंबकीय क्षेत्र उसके लंबवत होगा। कहने का मतलब क्या हुआ? इन दोनों तलों के, आर के भी लंबवत होगा, आईडियल के भी लंबवत होता है। दोनों तलों के क्या होता है? विद्युत क्षेत्र लंबवत होता है। फिर आगे, बायो सावर्ट का नियम कोण पर निर्भर करता है, जबकि स्थिर विद्युत क्षेत्र कोण पर निर्भर नहीं करता है। इस तरह से ये समानताएं असमानताएं पे 1, 2, 3, 4, 5 टॉपिक है। 5 टॉपिक 2 नंबर के लिए अच्छे से ख्याल कर लेना। अब आगे नोट करके टॉपिक हम लोग देखना, पिछले पीरियड में बायो सावर्ट के नियम का सूत्र सिद्ध किए थे। डीवी मतलब वही सूक्ष्म विद्युत क्षेत्र μ0/4πI आईडियल साइन थीटा बटे r², जहां पर μ0 का मतलब क्या था? 4π × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, अगर इसको हम सदिश स्वरूप में लिखें तो डीवी बराबर μ0/4πI आईडीएल बटे r² इंटू आर कैप आपका आ जाएगा। आर कैप मतलब इसका इकाई सदिश हो जाएगा। आर कैप का मतलब वेक्टर आर बटे मोड में वेक्टर आर, ये मान रखेंगे। यहां से डी वेक्टर डीवी बराबर μ0/4πI आईडीएल बटे r² वेक्टर आर बटे मोड में आर। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो μ0/4πI आईडीएल बटे r³ और यहां पर वेक्टर आर हो जाएगा। वेक्टर आर ना लिख के इसको आप एक लाइन ऐसा लिख सकते हैं, चूंकि डीएल भी सदिश होता है, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं आई डीएल क्रॉस वेक्टर आर और बटे में आपका क्या आ जाएगा? r³ जो है ये आपका सदिश होता है। ठीक है, और यहां पर भी आपका ये क्या होता है? सदिश होता है। इसको आप इस तरह से लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आई वेक्टर डीएल क्रॉस आर कैप। अब उसी आर कैप को वेक्टर आर बटे आर लिख के यहां बटे में r³ आपका आ गया है। यहां r² था तो r³ हो गया, डीएल क्रॉस आर कैप। तो वही डीएल क्रॉस आर का मतलब आपका क्या हो जाएगा? साइन थीटा, अगर इसका विस्तार करेंगे ये भी साइन थीटा। ठीक है, अब देखना इस सूत्र पर से अगर μ0 का सूत्र बनाए तो μ0 बराबर 4πr² dv बटे idl sin थीटा। इसका उपयोग हम लोग क्यों कर रहे हैं? μ0 का SI मात्रक और बीमा सूत्र प्राप्त करने के लिए। यहां से अगर μ0 का SI मात्रक प्राप्त करेंगे तो μ0 का SI मात्रक बराबर 4πr² dv बटे idl sin थीटा का मात्रक। 4π का मात्रक तो होगा नहीं, संख्यात्मक मान है। r दूरी का मात्रक मीटर, तो r² का मीटर स्क्वायर, पूरे dv चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला बटे आई एम्पियर हो जाएगा। डीएल लंबाई है, मीटर आ जाएगा, साइन थीटा का होगा नहीं।
1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो म्यू जीरो का एसआई मात्रा क्या होता है? टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अब बीमा सूत्र निकालने के लिए पहले बी के बीमा सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी, चुंबकीय क्षेत्र, तो पहले उसका बीमा सूत्र एक बार फिर से निकाल दिया। एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा हम जानते हैं, यहां से बी की बीमा बराबर एफ बटे आई एल साइन थीटा की बीमा। एफ का बीमा सूत्र एम ओ वन एल वन टी माइनस टू बटे धारा का ए वन होगा और एल लंबाई का एल वन होगा, यहां सॉल्व करेंगे एम ओ वन एल जीरो टी माइनस टू ए माइनस वन, ये बी का बीमा सूत्र आ गया। अब इस सूत्र का उपयोग करके म्यू जीरो की बीमा निकालेंगे, तो म्यू जीरो की बीमा बराबर फोर पाई आर स्क्वायर डी बी बटे आई डी एल साइन थीटा की बीमा। यहाँ चार पाई का बीमा होगा नहीं, आर का बीमा सूत्र एल वन आर स्क्वायर का एल टू हो जाएगा। डी बी का देखो ऊपर निकाला हूं एम ओ वन एल जीरो टी माइनस टू ए माइनस वन बटे आई का ए वन और डी एल का एल वन, साइन थीटा का होगा नहीं। सॉल्व करेंगे तो एम ओ वन, अब देखना एक एल वन से एक एल वन कैंसिल हो जाएगा, एक एल वन बचेगा एल वन और टी माइनस टू, अब यहां पर ए ऊपर जाएगा ए माइनस वन, एक ऊपर जाएगा माइनस वन, माइनस वन माइनस वन माइनस टू हो जाएगा, तो एम ओ वन एल वन टी माइनस टू ए टी माइनस टू ए माइनस टू, ये म्यू जीरो का बीमा सूत्र आ गया। अब इसी के आधार पर गौर करना ध्यान से, एम ओ वन एल वन टी माइनस टू बल का बीमा सूत्र होता था, तब यहां से एक मात्रक इसका और आ जाएगा म्यू जीरो का साइन मात्रक न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो यहां से म्यू जीरो का मान देखो चार पाई गुणे दस की घात माइनस सात टेस्ला मीटर पर एम्पियर होता है, या इसी को हम चार पाई गुणे दस की घात माइनस सात न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और म्यू जीरो को क्या कहते हैं हम? निर्वात या हवा की चुंबकीय शीलता, अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? परमीएबिलिटी। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? परमीएबिलिटी। क्या कहा जाता है इसको अंग्रेजी में? परमीएबिलिटी कहा जाता है, मतलब निर्वात या शून्य अवकाश की परमीएबिलिटी या चुंबकीय शीलता। तो इस तरह से म्यू जीरो का एसआई मात्रक कैसे निकाला जाता है, बीमा सूत्र कैसे निकाला जाता है, इनके बारे में और बायो सावर्ट के नियम और कूलाम के नियम की समानताएं और असमानताओं के बारे में हम लोग अध्ययन किए। ओके।